नमस्कार दोस्तों व मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अशोक सुथार अपने YouTube चैनल हैंड राइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं से लेटर। र से ही आपके से बनेगा, से से सपेरा। देखिए बोर्ड पे से को हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये इसका सेकंड स्टेप। आप देख रहे हैं सेम रे के पार्ट से ही से बन रहा है। फर्स्ट सेकंड और ये इसका थर्ड स्टेप। ये जो हम बेस लाइन लगाते हैं वो सेकंड पार्ट पे लगती है। ये इसका फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ में आपके से सपेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रूफ लाइन इस पे कंप्लीट आएगी, ये आपके फिफ्थ में कंप्लीट हो गया। ये जो हम स्टैंड लाइन खींच रहे हैं या नीचे जो टेल आ रही है इस तरह की, इसके बराबर खींचना है, बड़ा नहीं करना है। अब देखिए हम कहां गलती करते हैं। सबसे पहले हमें इस राउंड में नहीं बनाना, क्योंकि आप देख रहे हो ये राउंड के लेटर अब बनने बंद हो गए। दूसरी बात, हम ज्यादातर ये लाइन जो है इसकी बेस लाइन है वो हम सेंटर से खींच देते हैं। ये सेंटर से प्रेस वाले बनाते हैं, हम लोग राइटिंग में इसको नहीं बनाते हैं। तीसरी बात, कभी कभी इस टेल से भी खींच देते हैं, ये भी सही नहीं है। दिखने में सारे से है लेकिन हमारे स्टेप और रूल्स या नियम के हिसाब से सही नहीं है। हम इस तरह से अलग अलग वैरायटियां बना देते हैं। एक सबसे बड़ी गलती और करते हैं इसमें, वो ये है, ये यहां से नीचे झुका देते हैं। ये आपके इस तरह से नीचे नहीं झुकता, ये यहां से इसी लाइन के अंदर अंदर रहता है। अब ये बेस लाइन और बाद में ये स्टैंड लाइन हम इसे ज्यादा नहीं कर सकते, इसकी लंबाई ज्यादा नहीं ले सकते। जो आपके बेस लाइन है वो आपके एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी है, एक नॉर्मल बनानी होती है। बनाना इसको इस सेकंड पार्ट पे ही है, तो इस इन चीजों का आप ध्यान रखिए, कभी भी से में आपकी गलती नहीं होगी। वैसे से के साथ साथ रे का भी आपके रिवीजन फिर से हो गया। रे की तरह ये भी आपके इजी लेटर है, इसके 5 पॉइंट आप कॉपी में नोट कर लो। लेटर समझ में आ गए सबके? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।